ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन. अच्छा ये तो कंबाइंड इक्वेशन गिवन है, ठीक है. थर्ड साइड इज अ वेरिएबल वेरिएबल लाइन, थर्ड साइड इज अ वेरिएबल पासिंग थ्रू -5 और -1, यहाँ से वो पास कर रहा है. इफ द स्लोप ऑफ दिस साइड लाइज इन इंटरवल a, b, देन फाइंड a + 1/b², मतलब मुझे ये निकालना है कि ये जो स्लोप, ये जो वेरिएबल लाइन होगा उसका स्लोप कहाँ से कहाँ वेरी करेगा. ऐसा एक क्वेश्चन किया था इस तरह से. तो पहले तो तुम क्या करो, ये जो ट्रायंगल है इधर, ठीक है, इस ट्रायंगल को, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इसको तुम क्या करो, सॉल्व कर लो. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सेपरेट कर लो. और सेपरेट मैंने बताया था कैसे सेपरेट करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, सेपरेट कर लो, ठीक है. कैसे करना है तुमको, इसमें एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, ये कितना हो जाएगा, चलो प्लस ले लिया, -2y, और यहाँ पर x हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, -y² + 8y - 4 = 0. क्वाड्रेटिक इन x बनाया, ठीक है. उसके बाद में तुम क्या करोगे, इसको x की यहाँ पर वैल्यूज निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो आ जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ. तुम ये कर लेना थोड़े से प्रैक्टिस के लिए. और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, x - 3y + 2. एक तो ये लाइन आ जाएगी, दूसरी यहाँ पर लाइन आ जाएगी x + y - 2. आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर स्लोप वाली बात हो रही है तो मैं देखता हूँ कि इसको मैं अच्छे से प्लॉट कर लेता हूँ, हो सकता है प्लॉट करने से मुझे यहाँ पर कुछ दिख जाए. तो कैसे प्लॉट किया, ये ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह. फिर क्या किया मैंने, इसको प्लॉट करना शुरू किया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो ये वाली लाइन तो ऐसे बन रही है, ठीक है. ये कौन सी लाइन है, x + y = 2 हो गया. दूसरी वाली लाइन देख लो, यहाँ पर एक्स को जीरो करो, पहले क्या करो, y को जीरो कर दो. y को जीरो करोगे तो x कितना आ जाएगा, -2, 0, ठीक है. फिर x को जीरो करोगे तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है. तो ये इस तरह से कुछ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा है ये लाइन. आई होप जी समझ में आ रही है. एक लाइन ऐसे बन गई, ठीक है, और दूसरी लाइन इस तरह से बन गई. अब तीसरी लाइन मुझे बनाना है. तीसरी लाइन कहाँ से पास कर रहा है, -5 और -1 से, ठीक है. तो -5 और -1 यहाँ पर कहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा. अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कहीं ये वाला पॉइंट किसी लाइन पे लाई तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर लाइन पे लाई करेगा तो इससे मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है. तो मैंने चेक किया दोनों पे, जैसे पहले वाले पे चेक किया तो यहाँ पर रख दिया -5 - ये हो जाएगा 3 - 1 + 2 = 0. तो ये कितना हो जाएगा, -5 + 3 + 2 = 0. तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मतलब इस पर ये लाई कर रहा है. मतलब ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली x - 3y + 2y = 0. अच्छा एक काम करता हूँ, सेकंड में भी चेक कर लेता हूँ. सेकंड में अगर चेक कर लिया फिर तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो जाएगा. तो सेकंड में चेक किया तो कितना देगा, -5 - 1 - 2 = 0, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, ये नहीं होगा. इसका मतलब यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट, ये हो जाएगा -5 और -1. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो थर्ड लाइन कैसे बनेगी. और अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन है जो यहाँ पर स्किप कर दिया. यहाँ पर क्वेश्चन में एक और यहाँ पर पार्ट लिख लिया, तुम लिख लेना इसको अलग से. एक और पार्ट ये है कि ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, इसको तुम लिख लेना अलग से पहले ही. ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि अगर ओरिजिन लाई, अगर ओरिजिन के बारे में अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो जाए, इसलिए एक और पार्ट यहाँ पर क्या ले लिया, ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है. इसका मतलब ये जो ओरिजिन होगा वो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, मतलब ट्रायंगल कहीं यहीं से कहीं बनेगा. अब तुम देखो ये देखो कैसे बनना चाहिए. अगर यहाँ पर बनेगा इसका मतलब इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर चला गया तब तो ओरिजिन आएगा ही नहीं उसमें. मतलब ये वाले पॉइंट, ये वाला जो है इतनी सारी जो लाइन है वो तो क्या हो गया, खत्म हो गया. तो मुझे एक्चुअली क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि स्लोप जो है, ये जो लाइन है कितना ज़्यादा तक मूव कर सकती है, मतलब उसके मिनिमम और मैक्सिमम मूवमेंट देखना है मुझे, ठीक है. तो मुझे ये बताओ, अगर समझो मैंने इस लाइन को ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया, मतलब मैंने क्या बोला, ये जो लाइन है इसके मैंने पैरेलल कर दिया इधर, ठीक है, तब तो कभी ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका भी समझो मैंने स्लोप बोल दिया यहाँ पर, स्लोप इज इक्वल्स टू -1, तो ये तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हो गई. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से, इसको हमेशा, ये जो पैरेलल लाइन है इसके हमेशा इधर तो रहना ही पड़ेगा, इसी समझो, मतलब हमेशा इसको इस वे में, तो इस साइड तो इसको मूव करना ही पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है वो इधर जाना चाहिए, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. अगर ये यहाँ पर एंगल इधर जाना चाहिए तो इसका मतलब ये वाला एंगल बढ़ते रहना चाहिए. आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है. ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. अच्छा इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप -1 है तो इसका भी स्लोप -1 होगा. तो मतलब बेसिकली स्लोप यहाँ पर होना क्या चाहिए, स्लोप यहाँ पर -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमेशा इस पोजीशन से क्या होगा, आगे ही रहेगा, मतलब इस पोजीशन से ये वाली पोजीशन में रहेगा. देखो जिसको मैं 1 कर रहा हूँ,
देखो इस वाली पोजीशन में क्या होगा, इस वाली पोजीशन में, ये वाली पोजीशन में हमेशा m क्या होगा माइनस वन से बड़ा होगा, और पीछे वाली पोजीशन में m क्या होगा माइनस वन से छोटा होगा। मैंने तुमको बताया था कि अगर लाइन इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, कैसे मूव कर रही है, देखो यहाँ देखो, अगर लाइन यहाँ पर इस तरह से मूव करते जा रही है तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और जीरो के अप्रोच कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। मैंने तुमको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, यहाँ सबसे नेगेटिव स्लोप कौन सा होगा, सबसे नेगेटिव स्लोप ये होगा। उसके बाद जैसे जैसे तुम यहाँ पर आओगे स्लोप कम होते जाएगा और जीरो का अप्रोच करता जाएगा, मतलब स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्शन हमेशा कैसे रखनी है, ऐसी रखनी है, देखो डायग्राम में देखो ऐसी रखनी है डायरेक्शन। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि स्लोप क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई स्लोप की, माइनस वन आना चाहिए, मतलब यहाँ से मुझे ए मिल गया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्लोप की, माइनस वन। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या बोला कि जब हम समझो अगर ये लाइन ऐसे बन जाएगी तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा, ट्रायंगल बनेगा, ऐसे भी ट्रायंगल बनेगा, ऐसे भी ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल कब फंसेगा यहाँ पर। अच्छा मैंने अभी तक वो तो यूज़ ही नहीं किया कि ओरिजिन क्या होना चाहिए, ओरिजिन इसके अंदर लाई करना चाहिए। अच्छा अगर किसी को डाउट आ रहा है कि इसके नीचे ही क्यों ले जा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं बना रहे, देखो इधर देखो, ठीक है, इस तरह से क्यों नहीं बना रहे, ये अलग क्यों नहीं बनाए, ये भी तो बनेगा ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये भी तो बन सकता है ट्रायंगल, ये इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल तो बन जाएगा, कैसे बनेगा ट्रायंगल, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसको मीट कर देगा, ट्रायंगल तो बन जाएगा, और प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ओरिजिन इसमें लाई नहीं करेगा, जिसका मतलब वहां से तो ऊपर लेके नहीं जाना, मतलब इस क्या करना है, हमेशा हमेशा मुझे इसके नीचे ही लेके जाना है, ठीक है। अब नीचे लेके जाके, अब यहाँ से चलो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने देख लिया कि इतना ये मूवमेंट कर सकता है, अब ये इसका मूवमेंट कहाँ रुकेगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका मूवमेंट यहाँ रुक जाएगा जब ओरिजिन उसके ऊपर लाई कर जाएगा, मतलब जब तक ओरिजिन उसके अंदर है तब तक तो ट्रायंगल बन रहा है, पर जैसे ही अगर लाइन समझो ऐसे चली गई, मतलब ओरिजिन से अगर पास हो गई तो ओरिजिन उस पर लाई कर गया, अगर ओरिजिन उस पर लाई कर गया उसके आगे अगर मैं और ले जाऊंगा तब तो ओरिजिन बाहर निकल जाएगा, मतलब मेरा मूवमेंट जो है सिर्फ यहाँ तक ही मूवमेंट है, ये बस इतना ही मैं मूवमेंट करा सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए स्लोप, इनफैक्ट ये स्लोप भी नहीं होगा इसके, हमेशा क्या होगा कम ही होगा इसके स्लोप, यही समझ में आएगा तुमको, ठीक है। क्या बोल दिया यहाँ पर, ओरिजिन अगर मैंने इसको लाइन को और मूव कराया तो ओरिजिन उसके ऊपर आ जाएगा, और उसके और आगे गया तो ओरिजिन उसके बाहर चला जाएगा, तो वो स्लोप की क्या हो गया, हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, इसका स्लोप तुम निकाल सकते हो अगर ये ओरिजिन से ये पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ये ओरिजिन से यहाँ पर पास कर रहा है और ये यहाँ पर कितना है माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस वन है और ये ओरिजिन है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वन बाय फाइव हो गया, ये आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, और इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब ये स्लोप क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम स्लोप होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर अगर बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, तुम देखते जाओगे इससे ऊपर मैं अगर बढ़ाऊंगा एंगल को, यहाँ देखो डायग्राम में, तो स्लोप बढ़ेगा, तो ये स्लोप की क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि स्लोप की मिनिमम वैल्यू इज, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं है, पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस वन है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है वन बाई फाइव है, इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ स्लोप को कि माइनस वन से वन बाई फाइव को से वेरी करेगा। तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए इज इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया वन बाय फाइव आ गया, तो यहाँ पर किसने क्या पूछा, ए प्लस वन बाय बी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो निकाल लो, कर लोगे इतना, आई होप तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखो क्या हो रहा है ये, ओके नेक्स्ट लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल दिया, पेयर ऑफ लाइंस दे दिया, एंड अनदर लाइन थ्रो ओरिजिन विद अ स्लोप 3, ओके मेक्स अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो इसने ऐसे बोल दिया कि ऐसे कुछ है ट्रायंगल बन रहा है, एक लाइन तो कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोल दिया उसने ओरिजिन से पास कर रहा है, स्लोप कितना है 3 है, और बाकी तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम क्या करो, इसको तुम सॉल्व कर लो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के और लाइन निकाल लो, तो मैंने क्या किया इसको पहले ही कर दिया, ठीक है, टाइम थोड़ा सेव कर दिया, पहले ही कर दिया, पर तुम करोगे इसको प्रैक्टिस के लिए, तीन चार बार कर लोगे तो थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि एक लाइन यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस फोर, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर क्या नोटिस की कि देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है माइनस 2, इनका सम क्या है 0 है, इसका मतलब ये लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस हो सकता है इसका कुछ फायदा हो जाए। फिर क्या बोल दिया, फाइंड द सम ऑफ द कोटेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल, अच्छा मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले क्या निकालो, टेंजेंट निकालो इंटीरियर एंगल के, और उसके बाद फिर तुम क्या कर दो उसका कोट निकाल लो, फिर उनका सबका सम कर लो, क्या बताया था स्लोप लिखना है तुमको इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे इस वाले का स्लोप कैसे हो गया, पहली लाइन का स्लोप दिख रहा है 2, इसका दिख रहा है माइनस हाफ, और थर्ड लाइन का कितना है 3,
तो मतलब बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ। इसको तुम m1 लोगे, इसको तुम m2 लोगे, इसको तुम m3 लोगे। यहाँ से तुम क्या निकालना, tan a निकालना, tan b निकालना, tan c निकाल लेना विदाउट मॉड के साथ। ये कर चुके हैं दो तीन बार, अब मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। और फिर उसके बाद में तुम जैसे ही तुम्हें tan a आ गया, tan b आ गया, tan c आ गया, तो cot निकाल लेना, सबका सम ले लेना, आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे बताओ, इसका तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो किसका। वैसे तुम एक काम करो, इन तीनों लाइन को सॉल्व ही कर लो, एक काम करो, इन तीनों लाइन को तुम अगर सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुमने क्या किया, तीनों लाइन को जैसे सॉल्व किया तो तुम्हें क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, फिर डिटरमिनेंट में रख कर लेना। वैसे तुम यहाँ पर कुछ सोच भी सकते हो, जैसे क्या सोच लिया, अगर सोचना है तो जैसे मुझे पता है कि ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से इसका ए निकाल लो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। फिर बेस कैसे निकालोगे, बेस निकालने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सच्चा क्या करो, ए बी सी के तुम क्या करो, कोऑर्डिनेट्स ही निकाल लो, तीनों लाइन को जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है, जैसे मैं यहाँ पर इसको रखूंगा, वाई को उठा के यहाँ 3x रखूंगा, तो ये कितना जाएगा 4x बनेगा, तो ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। जैसे ये 7/4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 21/4, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना इसको। तो जैसे ही तुमने यहाँ पर ये निकाल लिया, ए बी सी ट्रायंगल तो आ गया, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द थ्री साइड्स। अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल जो टचिंग ऑल द थ्री साइड्स का मतलब क्या है, ये तो इन रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है, यही तो होता है जो टचिंग थ्री साइड्स होता है, मतलब स्मॉल आर की बात कर रहा है, ठीक है, ये आर चाहिए मुझे। तो कैसे निकाल सकते हो तुम इसको, ऐसे निकाला जा सकता है कि तुम पहले एक काम करो, इन सेंटर निकाल लो। इन सेंटर के फॉर्मूला क्या था, इन सेंटर कैसा था, कुछ ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, ये जगह सी कैपिटल सी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकाल सकता। अच्छा, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो तुमने निकाल दिए, और ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, वो भी तुम निकालोगे, ठीक है। स्मॉल ए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अ साइड अपोजिट टू ए, ठीक है। वैसे बी और सी निकाल दो, यहाँ से आई निकाला, फिर जैसे तुमने यहाँ से आई निकाला, फिर तुम क्या करोगे, जैसे आई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना, किस लाइन पे, इस लाइन पे ड्रॉप कर देना, वाई इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से तुम्हें आर मिल जाएगा, यही होता है आर। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक और फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो ये होता है एक फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन एस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। अगर ये चीज़ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वाला मेथड तो है ही, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इससे निकाल सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एरिया निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जगह आर इज इक्वल टू डेल्टा, बस तुमको एस निकालना पड़ेगा। अच्छा, एस निकालने के लिए मतलब ए बी सी तो तुम्हें एनीहाउ निकालना ही है, क्योंकि एस के यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, तो एस यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। नहीं करने वाला हूँ मैं ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन तुम करोगे, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया कैसे करना है, इसके आगे तुम करोगे, ठीक है, कर लेना। अपन नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्या बोल दिया, शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस कर्व मेक्स 90 एट ओरिजिन। अच्छा, मेक्स 90 एट ओरिजिन जैसे ही बोल दिया तो मेरे दिमाग में होमोजेनियस वाला आया कुछ। चलो ठीक है, देखते हैं, आर कॉन्ग्रेंट। ओके, अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब क्या बोलना है कि ये ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, इस तरह से कुछ, इसे ये कोई कर्व ले लिया, इसके जितने भी कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं इसके, जैसे एक ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, एक ये कॉर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड होंगे, वो हमेशा क्या बनाएंगे, ओरिजिन पे ये और ये हमेशा क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। और अगर मैं इसके लिए भी करता हूँ तो ये और यहाँ से ये भी क्या बनेगा, हमेशा 90 ही बनाएगा। और ये जितने भी कॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इन कॉर्ड की खासियत क्या होगी कि ये एक पॉइंट से तो पास होंगे, कॉन्करेंट बोल दिया, ठीक है। कॉन्करेंट बोलने का मतलब क्या है, एक पॉइंट से पास करना, मतलब बेसिकली फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, शो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस कर्व विच मेक्स 90 एट ओरिजिन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। एग्जैक्टली सेम चीज क्या है ये, कॉन्करेंट वाला। तो आई होप तुम्हें अगर याद होगा इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कैसे किया था, मैंने एक लाइन अपने तरफ से सपोज कर लिया था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये कर्व यहाँ पर तो दे रखा है, यहाँ पर ये कितना एस 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। क्या करना है, होमोजेनाइज करना है। अगर मैं इसको होमोजेनाइज कर दूंगा तो मुझे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, ओ ए और ओ बी की जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, और जो कि 90 बना रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर 90 बना रहा है ओरिजिन पे, तो इसके लिए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ से मुझे कोई ना कोई रिलेशन मिले, आई होप सही है। तो मैंने क्या किया, चलो इसको होमोजेनाइज कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिख, इसको कैसे लिख, अगर तुम्हें याद है होमोजेनाइज कैसे करना है, ये 3x² है, मैंने y², इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये होता है 2x, और x के साथ हम लोग क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 की जगह मैंने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ax प्लस by। आई होप दिस इज फाइन। वैसे यहाँ पर 4 के साथ क्या किया, 4y के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा ax
प्लस बी वाई इज इक्वल जीरो। कॉन्स्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ax², ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 2bxy, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 4axy और यहाँ से हो जाएगा 4by² इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया x का x square का, ठीक है, x² का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना मिल गया 3 - 2ax² और यहाँ पर y का क्या मिल जाएगा 4b - 1y² और बाकी यहाँ पर x और y का तो जो भी मिल रहा है उससे मुझे इतना कोई खास मतलब नहीं है, फिर भी चलो लिख दिया xy इज इक्वल टू जीरो। क्या बोलना चाहता है कि ये क्या है 90 बना रहा है ओरिजिन पे, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या हो गया 3a - 2a प्लस ये हो जाएगा 4b - 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या हो गया एक रिलेशन मिल गया। तो ये रिलेशन को मैंने कैसे लिख लिया, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a - 4b, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू जीरो, और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये दिस इज इक्वल टू a -2b - 1 इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है, दिस इज b, आई होप दिस इज फाइन। बस अब मैंने क्या बोला था, जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशन आ जाए तो तुम क्या करो लाइन से कंपेयर कर लो। लाइन यहाँ पर क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू 1 है और इसको मैं कैसे लिख दूंगा a - 2b इज इक्वल टू 1, कंपेयर कर लिया 1 और 1 एक टर्म को सेम बनाना है, तो यहाँ से x कितना मिल गया 1 मिल गया, यहाँ से y कितना मिल गया -2 मिल गया। मतलब ये वो सारी लाइंस हैं, वो सारी कॉर्ड्स हैं जो हमेशा 90 बनाएगी ओरिजिन पे, और जितने भी ये जो कॉर्ड्स हो जाएगी वो कॉन्करेंट किस पॉइंट पे होगा 1, -2 पे हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक और तरीका बताया था क्या करना था कि फैमिली ऑफ लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर दो, ए की वैल्यू उठा कर लाइन में रख दो, मतलब ए निकाल दो इन टर्म्स ऑफ बी, ऐसे बोल रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 1 + 2b, इसको उठा के लाइन में रख दिया तो ये कितना देगा 1 + 2b x हो गया, यहाँ से कितना देगा by इज इक्वल टू 1। अब इसको तुम आगे कर सकते हो एज ए फैमिली ऑफ लाइन की तरह, बाकी सारे टर्म्स को अलग निकालो जो b के साथ मल्टीप्लाई है उनको अलग निकालो, अलग अलग लाइन की तरह ट्रीट करो, यही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था एक्चुअली। नेक्स्ट करते हैं।